हर हर महादेव। ये भी बड़ा पेच युक्त प्रश्न है कि यदि नवरात्र का कोई व्रत कर रहे हैं और बीच में यदि कोई आशौच आ जाता है, सूतक या पातक लग जाता है, तो फिर व्रत कैसे करें, क्या कर सकते हैं व्रत या बीच में छोड़ सकते हैं, क्या करें। और नवरात्र व्रत कोई करना चाह रहे हैं और पहले ही कोई आशौच लग गया तो व्रत कर सकते हैं, कैसे करें पातक लगने पर भी। अथवा यही नियम पारणा में कि व्रत पूरा हो चुका, व्रत की पारणा करनी थी, वो आशौच प्राप्त हो गया, तब के क्या नियम है। इसी प्रकार कोई माता बहन यदि व्रत करना ही है या करना चाहती हैं या पारणा करना चाहती हैं, तब उनको कोई रजो दर्शन हो जाता है तो वे व्रत कैसे करें, अथवा व्रत कर रही है तो बीच में क्या व्यवस्था है, तथा पारणा कैसे करें, ये इसके विधि में शास्त्र में जो भी वर्णन है वो ध्यान से सुने। सामान्य रूप से ये वचन है कि व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमेर्चने जपे प्रारब्धे सूतकम न स्याद अनारब्धे तु सूतकम। व्रत आदि यज्ञ विवाह आदि संस्कारों में, श्राद्ध में, होम में, अर्चन में, जप में आरब्धे सूतकम न स्याद प्रारब्धे। अगर कोई प्रारंभ हो गया उसके बाद कोई सूतक लगता है या पातक लगता है, आशौच लगता है, तो उसमें प्रवृत्ति उसकी नहीं होती है। और अनारब्धे तो सूतकम, यदि वो कार्य अगर प्रारंभ नहीं हुआ है तो आशौच लग गया है तो फिर नहीं होगा। देखिए कह रहे हैं, यदि कोई आशौच लगा है, किसी भी प्रकार का कोई भी आशौच है, तो वो आशौच में जिनको आशौच लगा हुआ है वे व्रत तो कर सकते हैं, परंतु पूजन किसी ब्राह्मण आदि से करवाएं। व्रत तो वो ही करें, माता बहन या कोई पुरुष व्रत करें, परंतु उससे संबंधित पूजन ब्राह्मण से करवाएं। और जिनको बीच में आशौच लग जाता है तब भी यही नियम है। मुख्य रूप से यदि कोई संकल्प आज विशेष रूप से कर रखा है तब आशौच की प्रवृत्ति नहीं होती है, अन्यथा सामान्य रूप से व्रत स्वयं करें और पूजन किसी से करवाएं। यही माताओं के लिए नियम है। परंतु पारणा आदि में कहते हैं कि सूतके पारणम कुरियान नवम्याम होम पूर्वकम तदंते भोजयेत विपरान दानम दद्याच शक्तितः। सूतक हो जाए या कुछ भी हो जाए और प्रारंभ हो गया है कार्य, तो सूतके पारणम कुरियात, सूतक में भी पारणा होगी। नवम्याम होम पूर्वकम, और नवमी में होम इत्यादि सब कार्य होगा। तदंते भोजयेत विपरान दानम दद्याच शक्तितः, ब्राह्मण इत्यादि का भोजन करा के और शक्तिता दान इत्यादि करे। कब करे ब्राह्मण भोजन इत्यादि, बोले तदंते। तदंते माने सूतकांते, यानी जब सूतक की समाप्ति हो जाए तब ब्राह्मण भोजन आदि दान आदि तब करे। व्रत तो करे, पारणा भी कर ले, यानी व्रत की पूर्ति कर दे, फिर आगे व्रत चलावे नहीं, नवमी में ही उसकी पारणा कर ले वे, परंतु उससे संबंधित हवन दान जप आज तभी होगा जब वो सूतक समाप्त हो जाएगा, ये निर्णय है। इसी तरीके से यदि कोई व्रत प्रारंभ करना चाह रहा है, जिसके यहां प्रतिवर्ष जो है नवरात्र में कोई ना कोई उत्सव होता है हर प्रकार से, तो वे लोग यदि किसी के यहां आशौच लगा हुआ है तो व्रत को स्वयं कर लें और तत्संबंधी पूजन आदि जो भी विधि है वो ब्राह्मण से करवाएं। यही नियम माताओं के ऊपर लागू होता है कि एनम स्त्री भीरपि रजो दर्शन मध्ये कर्तव्यम एव पारणम। इसी प्रकार माताएं भी
रजो दर्शन अवस्था में व्रत को कर सकती हैं, पूजन पति या ब्राह्मण से करवाएं, पारणा भी कर लें, लेकिन तत्संबंधी दान आदि कृत्य वो पारणा के बाद जब वो शुद्ध हो जाए तो पांचवें दिन करनी चाहिए, ये वचन है। वैसे सामान्य रूप से पारणा का जो नियम है वो यही है कि सर्वेषाम उपवासानाम प्रातरेव ही पारणा, सभी प्रकार के व्रतों में जो पारणा होती है वो पारणा प्रातः काल ही होती है मुख्य रूप से। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि नौमी दो हो तो किस दिन पारणा करनी चाहिए, नौमी दो हो जाए तो किस दिन पारणा करें, ये जो है विचार का उत्तर दे रहे हैं कि दिनद्वय नवमी तदा द्वितीय दिन उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा न, किंतु त्वमी नवमी मध्य कार्य एवं, ऐसे कह रहे हैं कि यदि कोई दो दिन की नवमी है तो नवमी में पहले दिन तो व्रत होगा ही होगा, दूसरे दिन अगर कोई कहे कि हम उतने देर तक व्रत करेंगे क्योंकि नियम है तिथ्यन्ते भान्ते वा पारणा, तिथि के बाद या नक्षत्र के बाद जो है पारणा होनी चाहिए, तो दूसरे दिन भी जब तक नवमी रहे तब तक व्रत करके पारणा करें या तिथि के मध्य में ही कर ले, तो कहते हैं वो तिथि मध्य एव पारणा, दूसरे दिन, एक नवमी तो एक दिन पहले दिन हो गई और दूसरे दिन फिर नवमी है तो वो जब तक है बनी रहन देवे, प्रातः काल भी देवी का पूजन करके देवी का विसर्जन करके विधिवत फिर आप पारणा कर सकते हैं। यही नियम देवी के विसर्जन में भी है कि प्रातरेव विसर्जयेत, ये नियम हो ही गया है, तो देवी का आह्वान आज भी प्रातः काल करें, यदि चित्रा भैदृति आदि नक्षत्र हो वह पूरे दिन हो वह तो मध्यान्ह काल में देवी का आह्वान स्थापन करें, परंतु विसर्जन दशमी के दिन ही प्रातः काल पूजन करने के बाद और फिर विसर्जन करना चाहिए, फिर पारणा करनी चाहिए और व्रत को भगवान को भगवती को अपने इष्ट देवता को समर्पित कर देना चाहिए। हर हर महादेव।